विकास जांगड़ा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज फिलहाल आप आ रहे हैं काबरेल। काबरेल गांव में एक भाई राजेश नाम है राजेंद्र जो भाई है उसका जो मामला लग उसकी गुत्थी जो है सुलझ नहीं रही है। आप देख सको भाई जिस तरह सारे गांव के लोग यहां बैठे हैं ताकि उस भाई को राजेंद्र भाई को न्याय मिल सके। फिलहाल अपने पास अपने साथ आप सरपंच साहब हो गए फिलहाल अपने गांव के साथ जो है मौजूदा आदमी यहाँ पर बैठा है जो कि उसके घटना के बारे में सारी की सारी बताएगा भाई। शुरू के अंदर क्या हुआ था, किस प्रकार से डेथ हुई थी, सारी की सारी बातें हम पूछेंगे। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम सर आप? अनूप सिंह बेनीवाल, गांव सलेंगवट से जी। अच्छा जी, तो आप सर जो राजेंद्र का पूरा हम देख रहे हैं भाई, 4-5 दिन हो गए बैठे हुए, तो सिविल हॉस्पिटल में भी जाके आए थे, तो शुरू में एक बार बता सकते हो कि जो राजेंद्र भाई है उसकी डेथ किस प्रकार से हुई थी? हाँ जी, उस 27 तारीख को मणिखेड़ा ठेका बैठे थे, एक सलेमवट का लड़का था और दो फिर बाद में काबरेल के लड़के यहाँ पहुंचते है। वहाँ लगभग वे 11 बजे तक बैठे रहे, तो उनकी कोई बीयर बार लेने पे कोई कमी कराने पे कोई कया सुनी हो जाती है। अच्छा, किसकी कया सुनी हुआ है? एक सेल्समैन की और एक इसके साथ गांव का लड़का था कालू बोला है जिनको, तो थोड़ी तो मैं हो गई थी, कोई विशेष बात कौन थी। उसने सेल्समैन ने ठेकेदार को फोन कर भाई ये यहाँ पर बदतमीजी कर रहे है, तो ठेकेदार ने फोन करके उनके रिश्तेदार है मिंगणीखेड़ा में उनको फोन कर दिया कि अगर ठेका जाके देखो कोई शराब पीड़ा कुछ बोल रहा है। कोई 5 लड़के आए, 5 लड़के आ गए, उसके गांव के 2 लड़के राजेंद्र को 2 थप्पड़ मारे, एक जो काबिल गांव का नाम तो उसका और है कालू बोल रहे हैं उसको एक लात मारी वो गिर गया। उसके बाद में छुटा छुटा ही होगी, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा 112 पर फोन कर दो, तो राजेंद्र का मोटरसाइकिल का मुंह था मात्र श्याम की तरफ, वो तो उस साइड निकल गया है। और 2 लड़के थे जो काबिल के, वे काबिल की और बाइक का मुंह था इस तरफ निकल गए, एक स्लेमगुट था वो पहले निकल गया था। इस दौरान 1 बजे तक जो लड़का काबिल वाला था उससे उसकी बात हो रही थी, भाई मेरे बाइक में तेल खत्म हो गया, राजेंद्र बोल रहे है कोई मन आगे ले जाओ, तो वो लड़का दूसरा कह रहा है मेरे दौर अभी मेरा बाइक में तेल को नहीं मैं को नहीं आ सकूं। इस दौरान उनकी 10 बार बात हुई है, 20 सेकंड 1 मिनट 1.5 मिनट न्यू करके 1 बजे तक बात हुई है। 1 बजने के बाद में राजेंद्र का मोटरसाइकिल मात्र श्याम बस स्टैंड पर लॉक कर गोद में उसकी चाबी है, उसके बाद राजेंद्र को वहां से उठाया गया है। उठाने के बाद में 1.5 घंटा के दौरान उसके साथ मारपीट कर उसने अपने न्योली पुल के ऊपर डाला जाता है, ये घटना हुई है जी। अच्छा, न्योली पुल के ऊपर। फिर ये रिक्शा वाला आता है, वो इशार से एक बिहारी को छोड़ने आता 500 रुपए में, बंगला छोड़कर वापसी जा रहा है, तो बिल्कुल हमारे पास फोटो भी है, बिल्कुल रोड पर सीधा सुवा रखा है, पास में चप्पल पड़ी है, फोन ऐसे पास में पड़ा है, सारे हमारे पास फोटो है। उसके बाद में ई रिक्शा वाला 112 को फोन करते हैं, वे उसमें डाला है ई रिक्शा में सिविल में ले जाए है, सिविल में ज्यादा चोट होने के कारण रेफर करते हैं अगरुआ मेडिकल, अगरुआ मेडिकल करते हैं तो उसका राजेंद्र का फोन में लॉक नहीं था, ओम का नाम पर वो घर पर ई रिक्शा वाला फोन करता है, वही न्यू है तुम्हारा ये लड़का है इनके चोट मारा की है, बहुत ज्यादा चोट है, अब अगरुआ मेडिकल पहुंच जाओ। फिर अगरुआ मेडिकल हम पहुंचते हैं, वहां पर देखा तो बहुत बुरा हाल था, फिर हमने जस्ट ही तुरंत प्रभाव से रेफर करवाया है, हम सपरा हॉस्पिटल में ले आए हैं, सपरा हॉस्पिटल ले आके उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया है, ये बात हुई जी। अच्छा, जो सिविल हॉस्पिटल के अंदर गए थे उसमें क्या कुछ? सिविल वाले ने तो बोल दिया था भाई इसको ले जाओ, और चोट ज्यादा है अगरुआ मेडिकल ले जाओ। अच्छा, हाँ, इसी दौरान हमारे पास फोन आ गया, उसके हम वहां पर पहुंच जाते हैं अगरुआ मेडिकल में, वहां से हम रेफर करवा कर सपरा हॉस्पिटल ले आते हैं, फिर हम सपरा हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। तो अबे क्या दिक्कत हो रही है राजेंद्र का जो मरने में हाथ है, वह किन किन का हाथ मानो जी? हम तो जो साथ थे वो बता दिए, तो पुलिस का काम है, राजेंद्र के पास फोन है, उसके पास आसपास की लोकेशन देखो और देखो,
ये झूठा तो हम किसी का नाम ले भी नहीं सकते जी, ये तो पुलिस का काम है, पुलिस की कार्रवाई है। क्या कितनी कार्रवाई की पुलिस? अभी बता रहे अभी 7-8 ने उठा रखा है और नहीं जी उन्ना को आने वाली है जी। वैसे उठा रखे? हाँ वैसे उठा रखे जी। तो आपको लगता है मैन दोषी वो है? नहीं जी ये तो कैसे कह सकते हैं जी। अच्छा नहीं, नहीं। वैसे पूछताछ के लिए लेके गए? हाँ पूछताछ के लिए जी, उनने जो बात थी वो बताई है। तो इंस्पेक्टर से मेरी बात भी हुई थी, लेकिन मैं मुझे कोई दोषी नजर नहीं आ रहा। मैं दोषी नहीं आ रहा तो गलत काम ना करो जी, और करो आप दोषी निकाल के दे दो हमने तो, बस हमारा तो यही है भाई, हमने पता तो चलना चाहिए भी क्या हुआ है कैसे हुआ है। बिल्कुल है, किसको नजायज दोषी को सजा मिले, हाँ, निर्दोष फंसना। हाँ बस बस हम ये शुरू से ये बोल रहे हैं जी। तो इनके परिवार में कौन है? राजेंद्र और राजेंद्र के परिवार में जी 5 साल का उसका बच्चा है, एक उसकी विधवा मिसिज है, एक 70-75 साल की उसकी माँ है, और डाणी में ये रहते हैं। पापा 3 साल पहले एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये है जी इंडिया। तो लास्ट में क्या कहना चाहोगे? लास्ट में ये कहना चाहूँ हाँ, इस गुंगी बैरी सरकार को, पुलिस प्रशासन को, वह जल्दी से जल्दी इस गुत्थी को सुलझाए, तो हम हमारे भाई का दाह संस्कार कर सके और तो फिर हम हमारी जो हाँ दोषी को सजा दे। तो भाई इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया, और जो राजेंद्र भाई है, राजेंद्र भाई का जो मामला है अब रेल के अंदर आपने देख लिया है पूरा का पूरा के मामला था। तो इस भाई को न्याय जरूर आप जोड़कर रिक्वेस्ट है सारे प्रशासन से, जो भी ये मर्डर हो गए इनकी धरने क्यों करने पड़ा है, मतलब कुछ तो मतलब जिसकी सुनवाई नहीं होती, जो कोई आखिर में मतलब गरीबे ने धरना देना पड़ा है जी। आपे बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो भाई इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। जय हिंद जय भारत। Yeah, we'll be able to do it.